पहले मेरे जो भी मार्गदर्शक रहे हैं और सभी जिला क्रिकेट संघ के सदस्यों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, और मैं सबको ये आश्वासन देना चाहूँगा कि हम सबको साथ लेके प्रयास करेंगे कि राजस्थान में क्रिकेट का नया सूर्योदय हो और खेल जगत में हमारे जो भी खिलाड़ी हैं वो सब आगे बढ़े, देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। आईपीएल का एक बड़ा आयोजन होना है, उसको लेके क्या कुछ तैयारियां रहेंगी और कितनी जल्दी सब जो तैयारियां हैं उनको अपने तमाम साथियों के साथ में बैठकर पूरा करेंगे? आज ही मैंने एज इंटरिम प्रेसिडेंट कमान संभाल ली, मेरे को थोड़ा सा हमें दीजिए। हम चाहते हैं कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का किसी के साथ भी टकराव नहीं हो, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम यही चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी और खेल आगे बढ़े। आईपीएल को लेकर क्या अभी काउंसिल से बात की जाएगी? बहुत ही जल्द काउंसिल से भी बात की जाएगी और हम बीसीसीआई से भी संपर्क करेंगे। जो एमओयू बीते दिनों खत्म हो गया था और एक करोड़ों रुपए का बकाया भी चल रहा है, तो उसका भुगतान किस तरह से किया जाएगा और एमओयू क्या दोबारा किया जाना है? देखिए, एमओयू क्यों समाप्त हुआ, क्या कारण था समाप्त, उसको पहले रिन्यू क्यों नहीं रह गया, मैं पास्ट की पुरानी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहता हूँ, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम जो है स्पोर्ट्स काउंसिल और सरकार से बात करेंगे और नया एमओयू ड्राफ्ट करके बहुत ही जल्द उसे ड्राफ्ट करके सरकार के साथ एक जॉइंट अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे। 38 करोड़ का बकाया भी है आप लोगों के ऊपर। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने आज ही इंटरिम प्रेसिडेंट का जो है पोस्ट संभाली है मैंने आज, मेरे को आप कुछ घंटों का हमें दीजिए, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का किसी के साथ जब तनाव और टकराव होता है तो सबसे पहले हमारे खिलाड़ी और क्रिकेट का नुकसान होता है। हम राज्य सरकार से ज़रूर बात करेंगे, स्पोर्ट्स काउंसिल से बात करेंगे, खेल मंत्री जी से भी चर्चा करेंगे और बहुत ही जल्द आप जो भी समस्या हैं, एमओयू की बात हो, इंक्वायरी की बात हो, बहुत ही जल्द इसका हम समाधान निकालेंगे। यही प्रयास रहेगा कि हमारा खेल आगे बढ़े, और जैसे मैंने आपको कहा, मैंने अभी कुछ मिनट पहले ही हद ग्रहण किया है, तो आप मेरे को 2-3 घंटों का हमें दीजिए, अपन एक बारी और फिर मुलाकात करेंगे और मैं आपको अवश्य आपके जितनी भी क्वेरीज हैं उनको गंभीरता से लेके आपको मैं अवश्य जवाब दूंगा। आरसीए में भी अनियमितताओं की लेकर के भी शिकायत कई जगह हुई थी, कई एजेंसियों के रडार पर आरसीए है, तो क्या अब ये चीजें सुलझेंगी समय पे, सारी चीजें पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो भी सिचुएशंस है, जो भी स्थिति है आज जो बनी हुई है उसको उतारा जाए ताकि हमारे खिलाड़ियों का फायदा हो और क्रिकेट आगे बढ़े। क्रिकेट का युग बदलेगा, आप यूथ हैं, क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं साहब स्कूल में भी क्रिकेट खेला करता था और स्कॉश एक खेल, आपने आई डोंट नो नाम सुना नहीं होगा, मैं राजस्थान का अंडर 19 कैप्टन भी था, मलेशियन इंटरनेशनल ओपन, सिंगापुर इंटरनेशनल ओपन जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट से मैंने प्रतिनिधित्व भी किया है, और खिलाड़ी की क्या, एक प्लेयर की क्या आवश्यकता है, मैं बहुत गंभीरता से समझता हूं और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि पूरा प्रयास रहेगा कि राजस्थान में जो भी कंट्रोवर्सी रही है क्रिकेट को लेके उनको दूर किया जाए और क्रिकेट का एक नए पूरे उदय हो। खास गाइडेंस दी आपके पिताजी ने, क्योंकि एक खास उनका लगाव, वो खुद एक प्लेयर रहे, देखिए हमारे यहाँ पूरा परिवार जो है एक स्पोर्ट्समैन परिवार है, और अजय सिंह जी मेरे पिताजी हैं, मैं बहुत गौरविक महसूस करता हूँ, उनसे हमेशा मार्गदर्शन लिया है, और प्रयास यही रहेगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि क्रिकेट प्रदेश में कैसे आगे बढ़े, अजय सिंह जी के साथ मेरे जितने भी मार्गदर्शक हैं, जितने भी अपने यहाँ पे एसोसिएशन है, उनके जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, सबकी राय लेके सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे, और ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि क्रिकेट में ना तो मेरा प्रयास रहेगा कि कोई किसी भी किस्म का राजनीतिकरण नहीं हो और भेदभाव पक्षपात नहीं हो। मेरे को कई बारी सुनने को भी आया है, आपके मीडिया के माध्यम से भी मैंने पढ़ा है कि पिछले कई सालों से
प्लेयर का जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, उसमें आपने कई सवाल उठाए. प्रयास यही रहेगा कि फ्री एंड फेयर सिलेक्शन हो और सबको साथ लेके हम क्रिकेट को आगे बढ़ाएं. आपको पिछले कार्यकाल में धनंजय जी सबसे ज्यादा प्लेयर जो थे वो राजस्थान से छोड़ करके दूसरे जो स्टेट से उनसे उन्होंने खेलना शुरू किया, तो क्या अपने यहाँ के जो बिल्कुल अच्छे प्लेयर हैं उन वो वापस आएंगे, ये स्थिति बनेगी वापस? ये एक बहुत चिंताजनक विषय रहा है कि कई ऐसे प्लेयर थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हैं हमारे आउट ऑफ स्टेट जाके खेल रहे थे. ऐसा क्यों हुआ उसका मैं ध्यान रखूंगा और ये प्रयास रहेगा कि फ्री एंड फेयर सिलेक्शन हो और हमारे प्रदेश के खिलाड़ी देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें. राजस्थान का जो खिलाड़ी है, राजस्थान की जो माटी का पुत्र है, राजस्थान की जो महिलाएँ हैं, वो राजस्थान से ही राजस्थान टीम का ही प्रतिनिधित्व करे, इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा और इस पे प्रयासरत रहूंगा. वैभव गहलोत ने बहुत जल्दबाजी में जो है अपना इस्तीफा दिया था, और क्या लगता है कि जो राशि जो चुकानी पड़ती उससे बचना चाह रहे थे? देखिए, मैं मानता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट का नया राजस्थान में सूर्योदय हो. पहले क्या हुआ, पहले क्या नहीं हुआ, आप सबको जानकारी है. मुझे आरोप अति आरोप बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं. मैं सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं यही चाहूंगा कि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ें इस और हमारा खेल आगे बढ़े. इसका जवाब आपको अवश्य देना चाहूंगा. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हरजिंदर सिंह जी मेरे पिताजी हैं, मुझे बहुत गौरव महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, वो हमेशा मेरे मार्गदर्शक रहे हैं. बट धनंजय सिंह खीमसर इज ऑल्सो अ इंडिविजुअल. मैं भी 15-20 सालों से संघर्ष करते आ रहा हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ. खीमसर में, अगोर में, मैं एक छोटी सी फाउंडेशन चलाता हूँ जिसका नाम है खीमसर फाउंडेशन. 14 पैरेलल प्रोजेक्ट चलते हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट का नाम है खेलो मारवाड़. खेलो मारवाड़ तहत हमने आज की तारीख में ग्रामीण राजस्थान में हजारों क्रिकेट के किट बांटे हैं. और मैं क्रिकेट में अभी नहीं आया हूँ. आपने जो कहा कि सरकार बदली और आप आए, मैं 2-2.5 सालों से नागौर क्रिकेट संघ का अध्यक्ष रहा हूँ. मैं पहले से मेरी एंट्री क्रिकेट में हो चुकी थी और मेरा कोई एजेंडा नहीं है. एक ही प्रयास रहेगा कि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े. और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और खिलाड़ी की क्या आवश्यकता होती है, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ. ऐसा कहा जाता है कि वैभव गहलोत को उनके पिताजी का बहुत ज्यादा सहयोग मिला है, वो आरसीए से जुड़े हुए थे, तो आपके ऊपर भी क्या आपके पिताजी का हाथ रहने वाला है क्या आगे? देखिए जी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो पहले हुआ है, मैं पास्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहता. पहले जो हुआ, जो नहीं हुआ, आप सब उससे वाकिफ हैं. और मैं तो ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वैभव जी ने भी 2-3-4 साल कमांड संभाली, उनको भी अनुभव है. वो भी अगर हमको कोई पॉजिटिव पॉइंट्स दें, सकारात्मक ऊर्जा से हमारे साथ जुड़े, तो हम उसका भी स्वागत करना चाहते हैं. फोटो से सब हो जाए जी. क्या आईपीएल के मुकाबले अब आरसीए कराएगा? आईपीएल के जैसे कि मैंने आपको कहा, हम स्पोर्ट्स काउंसिल से, खेल मंत्री जी से, सरकार से बात करेंगे, बीसीसीआई से भी चर्चा करेंगे. और पूरा प्रयास ही रहेगा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का भी आईपीएल में इन्वॉल्वमेंट हो. हम सबकी यही जिम्मेदारी बनती है कि बहुत ही जल्द आपको चुनाव की तारीख घोषित कर दी जाएगी और बहुत ही जल्द, वेरी सून, यू विल हैव फ्रेश इलेक्शंस. दैट्स व्हाट वी एग्जैक्टली वांट.